ब्रेक तो बाद सारे दर्शकों का स्वागत है। खबरों के सिलसिले को तोड़ते हैं अगे। हरियाणा के विधायकों गैंगस्टरों वालों धमकियां मिलने के मामले में विधानसभा स्पीकर ने विधायकों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग चुकी है। जी हाँ, तुहानू दस दईए स्पीकर वालों विधायकों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को इस संबंधी एक पत्र भी लिखा गया। विधायक ते उन्होंने परिवार असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ज्ञान चंद गुप्ता ने बकायदा चिट्ठी लिख के इस गल तो जाणू करवाया मुख्यमंत्री को कि विधायक और उनके परिवार असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस के चार और भाजपा के एक विधायक को धमकी मिल चुकी है। तुहानू दस दईए खबर लगातार पंजाब चो भी आ रही ने, हरियाणा चो भी आ रही ने और इत्थों तक कि मंत्री भी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे। अजिहे विच बकायदा ज्ञान चंद गुप्ता ने स्पीकर हरियाणा विधानसभा के स्पीकर वालों मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चिट्ठी लिखी गई है। इस दे विच जिक्र किया गया कि विधायक और उनके परिवार असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसे करके मांग चुकी जा रही है कि उन्होंने सुरक्षा के विच इजाफा किया जाए, वाधा किया जा सके। देखिए, मुझे कल ही एक दो विधायकों का फोन भी आया था। अभी तक जो मेरी जानकारी है, छह विधायकों को इस प्रकार की कॉल्स, चाहे वो देश में भारत से भी आई हैं और विदेशों से आई, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। और इस मामले को लेकर के मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है और एक अनिल विज जी को, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, मैंने आग्रह किया है कि सभी विधायकों की सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम वो किया जाए। और मैंने ये भी कहा है कि इसके लिए एक विशेष टीम गठित की जाए। इसके पीछे क्या मंशा है, क्या षड्यंत्र है, इसकी जांच भी होनी चाहिए। मैंने इसमें लिखा है कि उनकी सुरक्षा के जो सभी विधायक हैं जिनको थ्रेट मिली है, उनको तो करना ही है, जो बाकी विधायक भी हैं उनकी भी सुरक्षा बढ़ाई जाए ताकि किसी प्रकार का कोई डर उनके मन में ना हो।